भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। तिरानवे साल की उम्र में आज एम्स अस्पताल में अटल जी ने अंतिम सांसें ली। नौ साल से बीमार चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरकार मौत से हार मान ली। बीजेपी के सभी प्रमुख नेता दिल्ली स्थित एम्स में उनसे मिलने पहुंचे थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। एक कवि, एक पत्रकार और पोखरण परमाणु विस्फोट करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अपना करियर पत्रकारिता से शुरू करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रधर्म, पांच जन्य और वीर अर्जुन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। दीस टेस्ट कंडक्टेड टुडे। वाजपेयी जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उसे सफलतापूर्वक जनसंघ ने उन्हें 1957 में लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से लोकसभा चुनाव में उतारा, जहां मथुरा से वह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। बलरामपुर से चुनाव जीतकर वह पहली बार सांसद बने और देश की दूसरी लोकसभा में पहुंचे। वाजपेयी ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदी को विश्व के सामने रखा। वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंग भेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंग भेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बीजेपी को लंबे समय तक संभाला। वाजपेयी बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे 16 मई 1996 को देश के प्रधानमंत्री बने, पर लोकसभा में बहुमत साबित ना कर पाने की वजह से उनको प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। '98 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने गठबंधन करके संसद में बहुमत साबित किया। उनकी यह सरकार मात्र 2 दिनों में ही गिर गई। 1999 में देश में एक बार फिर आम चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वह ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे अनेकों कार्य किए जो कि आज भी अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं। मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। भारत को हर कोने तक सड़कों से जोड़ने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। वाजपेयी ने भारत के चार महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ा, जो कि अपने आप में एक अनोखी पहल थी। हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के 100 साल से चल रहे पुराने कावेरी जल विवाद को भी अटल सरकार ने आपसी सूझबूझ से सुलझाया था। भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत भी अटल सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जिस कारण आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अटल जी का मानना था कि आधुनिक युग को बिना विज्ञान का सहारा लिए विकास की राह तक नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसके लिए उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में टेक्नोलॉजी का संपूर्ण विकास था। असंतोष पैदा होता है और जब असंतोष ज्यादा बढ़ जाता है, कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है, तो फिर विकास के काम भी या तो मंद हो जाते हैं या रुक जाते हैं, ठप हो जाते हैं। वाजपेयी को पंडित नेहरू बहुत पसंद किया करते थे। जब जब अटल जी संसद में अपना भाषण देते थे, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू उसे ध्यान से सुनते थे। नेहरू ने एक बार किसी विदेशी प्रधानमंत्री से अटल बिहारी का परिचय देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में करवाया था। वाजपेयी नेहरू की आलोचना करते थे, पर नेहरू वाजपेयी में हमेशा भावी पीढ़ी का, देश का नेता देखते थे। उन्होंने ही कहा था कि अटल एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज देश ने अपने इरादों पर अटल रहने वाले महान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को खो दिया है, लेकिन उनके महान कार्य और उनकी महान कविताएं देशवासियों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी।